पे ध्यान रखिएगा, पूरे ध्यान इस ट्रेनिंग में, क्योंकि अब जो बताने वाला हूँ वो मेरे लाइफ पर सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा अनुभव और एक्सपीरियंस है, जिसके कारण लगातार मैंने काम किया, 8 महीने में डायमंड बना और 16 महीने में 87,55,000 प्लस की इनकम किया, कार घर प्लॉट सारे चीज पूरे किया। वो एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है जिसके ऊपर अब मैं बात करने वाला हूँ। बने रहिए, अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लाइफ को बदल सकता है, ठीक है? तो वो है दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है सक्सेस और पूरा पावर ऑफ एज, और एज है आपके सामने में, ठीक है? एज है आपके सामने जो आपके लाइफ को पूरे तरीके से बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, और वो है हैबिट, ठीक है? वो है हैबिट आपकी आदतें, वो है हैबिट आपकी आदतें, आपकी आदतें ही डिसाइड करते हैं कि आप रियल में कितना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आदत को लेकर एक बात याद आ रहा है, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो है एलन मस्क। कितने लोग जानते हैं? एवरीवन, नासा कंपनी के जो फाउंडर्स है, कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है? एलन मस्क सभी लोग जानते होंगे। एक ऐसा शख्स है जो अपने पूरे एक हफ्ते में 100 घंटा काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? एवरीवन अच्छे से सुनिएगा, वो ऐसा आदमी है जो एक हफ्ते में 100 घंटा काम करते हैं, मतलब रोज का कितने घंटे हुआ, कितने घंटे, एवरीवन रोज का कितना होगा? कम से कम वो 12 से 13 घंटा, कम से कम वो आदमी है जो रोज का 13 घंटा काम करते हैं अपने दिन का। कौन आदमी? जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एलन मस्क। क्यों करता होगा? उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है यार, तो क्यों करता है? कुछ तो बात होगा, लेकिन हमें तो पैसे की जरूरत है घर में, ठीक है? कर्जे पड़े हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हम ना 1-2 घंटे समय मिल जाता है काम करते हैं, मतलब हमें, हम लोग एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर आदमी है, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना, मेरे बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, बट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा अमीर है इस दुनिया में, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो आदमी 13 घंटा रोज का काम कर रहा है, और हमारे पास रोज समस्या है पैसे को लेकर, ठीक है, कर्जे को लेकर, इतने सारे चैलेंजेस, अच्छी जिंदगी जी नहीं पा रहे, उसके बाद भी ना हमारे पास क्या है, 2 घंटे मिल गया तो, और वो भी नहीं मिला अगर हम कहीं बिजी हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम में तो बात अलग है, उसमें भी आधा घंटा मिल गया कर लें। तो आज से कसम खाइए, अगर आपके सपने हैं, आपके बच्चे को अच्छे लाइफ देना चाहते हो और अपने जिंदगी को रियल में बेहतर बनाना चाहते हो, तो यार फालतू काम छोड़िए, और जिस काम से आपकी जिंदगी बदल सकती, बड़ा पैसा आ सकता है ना, वहां पे फोकस करिए। और आप भी आज से कसम खाइए, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो जॉब की तरह करना चालू कर दीजिए, और ये पार्ट टाइम नहीं होता बिजनेस, रियली बता रहा हूँ। अगर आप जितने भी घंटे कर, उस घंटे को ना पागलों की तरह करिए, और डिसाइड करिए कि आप रोज रोज कितना घंटे काम कर सकते हैं, और उसको हैबिट मिलाना है, अपनी आदत। आज एलन मस्क इसलिए रोज 13 घंटा काम करते हैं क्योंकि उसका आदत बन चुका है, ठीक, उसका हैबिट बन चुका है। दूसरा चीज, वो काम को पागलों की तरह करता है, हद से ज्यादा करता है, मतलब ट्राई नहीं करता, चलो करके देखता हूँ, वो पागलों की तरह इतना काम करता है कि वो खाना खाना भूल जाता है, इतना काम करता है कि उनको पता नहीं होता कि सुबह से रात कैसा हो, इतना डूब जाता है अपने काम में। क्यों पता है? उनका उनका पर्पस क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है, वो आने वाले 50 साल को देख के काम कर रहे हैं कि मंगल ग्रह में भी लोग जीवन यापन करेंगे, ये विजन लेके काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो अपने घर के कारण के ऊपर फोकस करके काम नहीं कर पा रहे, रीजन, हम कहीं ना कहीं दोस्तों भटक जा रहे हैं अपने कारण से। 2-4 लोग मना कर रहे हैं, हम रोने बैठ जा रहे हैं, नहीं होगा यार अब काम, तो ये सब चीजों को बदल लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को सिर्फ आप बदल सकते, कोई और नहीं बदल सकता। मेरे पास 17 लाख रुपए का कर्जा था, तो मैं रोने बैठने से अच्छा था कि मौका मिला तो इधर ना देखा उधर, भैया करना क्या है, सर ने बताया लिस्ट बनाना है, 500 लोग का लिस्ट बनाया, 2 दिन में 100 लोग को प्लान दिखा के फिनिश, ठीक है, ज्वाइनिंग आया, मल्टीपल आईडी कराया, सबका धन, 2 दिन में 52 आईडी निकाल गया, उसको पकड़ के काम किया, ठीक है, 2 दिन में गोल्ड, 3 दिन में 1 स्टार, 5 दिन में 2 स्टार, 10 दिन में 3 स्टार, 14 दिन में पर्ल बन गया था, 28 दिन में एमरल्ड रैंक को हासिल कर लिया, 8 महीने में डायमंड। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पर्पस क्लियर है,
ठीक है, तो आज से ना अपने काम को इतने स्पीड में करो, इतने स्पीड में करो, इतने स्पीड में करो कि बाकी चीजों के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ग्रो कर पाएंगे अपने लाइफ में। आगे बात करते हैं दोस्तों, आदतें आखिर कहाँ से कहाँ ले जाती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन ट्रेनिंग में आने की आदत नहीं है, हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन इन्विटेशन करने की आदत नहीं है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं लेकिन सुबह बिस्तर छोड़ने की आदत आज तक छोड़ नहीं पाए हैं। मतलब एकदम राजा टाइप में लाइफ चल रहा है, आराम से 8 बजे उठेंगे, मन करेगा तो मीटिंग में आएंगे, नहीं करेगा तो नहीं आएंगे, ऐसा चल रहा है लाइफ। कैसे जिंदगी बदलोगे यार, आप बताइए, एक बिस्तर से उठने का समय को बदल नहीं पा रहे हो, कैसे जिंदगी बदलेगा? अपने कारण को लिखने का आप आदत नहीं बना पा रहे हो, कैसे जिंदगी बदलेगा? आप लिस्ट बनाने की आदत नहीं डाल पा रहे हो, कैसे जिंदगी बदलेगा? आप इन्विटेशन करने की आदत नहीं डाल पा रहे हो, कैसे जिंदगी बदलेगा? और आप बात करो जिंदगी बदलना, बदलती है जिंदगी, लेकिन कब? आगे हम बात करने वाले हैं। सफल और असफल इंसान के अंदर एक ही चीज का फर्क है, उनकी आदतें का। जो इंसान आदतें को बदलता है उनकी जिंदगी बदल जाता है, और जो इंसान आदतें को नहीं बदलता उनकी जिंदगी वैसी हो जाता है, क्योंकि ये प्रूफ एकदम प्रैक्टिकल है, आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सफल लोग और असफल लोग, सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छे सुनिएगा, सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और असफल लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये दोनों एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस एक करते हैं और एक दूसरा नहीं करते। एक बार और सुनिए, सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और असफल लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको मैं रियली बताना चाहूंगा दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार गोवर्धन साहू सर शुरू में आए और उनको लगता होगा, अच्छा लगता होगा इसलिए काम को करता है, ऐसा नहीं है। मुझे भी कारण लिखना अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे पता है मैं कारण लिखूंगा तब जाके मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा। मुझे भी लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने जबरदस्ती लिस्ट बनाया। मुझे भी इनविटेशन करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने जबरदस्ती लोगों से, जबरदस्ती खाली बैठने से अच्छा मैंने कॉल मिलाकर बात करना चालू किया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता प्लान दिखाना लेकिन मैंने उनको प्लान दिखा के प्लान दिखा के प्लान दिखाकर 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 प्लान दिखाने की आदत डाल ली। इनविटेशन कर करके इनविटेशन कर करके इनविटेशन करने की आदत डाल ली, लिस्ट बना के लिस्ट बना के लिस्ट बनाने का आदत डाल ली, और आज के रोज का लिस्ट मेरा 2-3 नाम रोज ऐड होता है। इसी प्रकार से फॉलोअप करने की आदत नहीं था, फॉलोअप कर करके फॉलोअप कर करके फॉलोअप करने की आदत डल गई। अब बहुत सारे लोग बोल रहे सर लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग वो काम करता है जो अच्छा नहीं लगता, और वो काम जब करते तो उनको वो मिलता है जो उनको चाहिए। ठीक है, और असफल लोग को भी वो काम अच्छा नहीं लगता लेकिन वो आदमी क्या करते वो नहीं करता और उसको नहीं मिलता जो उनको चाहिए। बस फर्क इतना है, बस सफल और असफल के बीच। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। तो आज से कौन सा आदत डालेंगे? आपको जो अच्छा नहीं लगता उस काम को आज से ही बार 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 करने की आदत डाल लीजिए, और नहीं डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा पछताते रह जाओगे जी अंदर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनविटेशन करने का टाइम है, फोन लगाएंगे, अब फोन लगाने के समय घर से आवाज आता है। ठीक है, घर से आवाज आता है, नल बंद हो गया, तो हम क्या करते हैं, इनविटेशन करने के बजाय हम वो नल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनविटेशन करना हमें ज्यादा दिक्कत है, नल आसान है। तो मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती है, और सफल लोगों को भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कर रहे, जानबूझ के कर रहे, क्योंकि वो चीज करने से उनको पैसा आएगा, और असफल लोग को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वो करना छोड़ देते हैं और इसलिए उनको वो चीज मिलना बंद हो जाता है जो उनको चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आज से अपने दिमाग में सब लोग फिट कर लीजिए, और फिट करके जब आपको लगे कि यार हटाओ ना यार लोग तो नहीं आते क्यों बात करना, तो याद कर लेना सफल लोग वही काम करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को भी रिजेक्शन मिलता है, उनके बाद भी उनको अच्छा नहीं लगता लेकिन वो है बेशरम, और उसके बाद भी और कॉल करता है क्योंकि उनके पास कर्जे हैं और उस कर्जे को खत्म करने के लिए उसको बेशरम बनना है। ठीक है, मतलब 2 लोग फोन नहीं उठाएंगे, 3 लोग फोन नहीं उठाएंगे तो हम चौथा के लिए भी तैयार है, क्यों? क्योंकि हम तो बेशरम आदमी है, और बेशरम नहीं बनेंगे तो पैसा कैसे आएगा? लेकिन शर्माओगे तो एक दिन
कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज से एवरीवन एवरीवन अच्छे सुनिए, गार्ड बांध दीजिए, आज से अपने शब्दों में अपने जुबान में ये नहीं आने मत देना कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, मुझे अच्छा नहीं लगता लिस्ट बनाना। क्या है ना, लिस्ट बनाता हूँ ना तो मुझे नींद आ जाता और मैं सो जाता हूँ। मुझे भी लिस्ट बनाता हूँ ना तो नींद आता है, लेकिन मैं साइड में पानी रखता हूँ ठंडा वाला और तुरंत मुंह में मारता हूँ, या साइड में चाय और कॉफी रखता हूँ और चाय पी के फिर लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये काम आप भी करिए, क्योंकि सो जाओगे ना तो खो जाओगे और आपके सपने भी खो जाएंगे, इसलिए जागते रहना। और वो सपने ही सपने क्या, जो आपको यार रियली बता रहा हूँ, जो आपको एकदम इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद, इतने बड़े सपने देखने के बाद आपको नींद आ जा रहा है, वो क्या सपना है? वो सपना नहीं है, वो रात में देखने वाला सपना है। सपने तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको यार कहीं से आ भी है ना 12 बजे रात को और कुछ काम आ जाए DMPL का और 1 बजे रात को करना है ना, तो आपके अंदर जुनून जोश भर जाना चाहिए, क्योंकि आपके सपने हैं। ठीक है, तो अपनी आदत में काम करिए और देखिए, आज तक 8 बजे सोख नहीं उठे और आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। अपने आदत को सुधार लीजिए, 6 बजे रोज अलार्म डालिए, उठ जाइए, अगर नहीं उठे तो मोबाइल को पटक देना दूसरे दिन, ठीक है, लॉस होगा तो तीसरे दिन उठ जाओगे। कुछ अपने आप को पनिशमेंट देना चालू करो, अगर इन्वाइट ही नहीं हो रहे तो सीखिए अच्छे से और बार बार करिए, उसको आदत डाल लीजिए। जब आप आदत डाल लेंगे ना तो देखना एक दिन ऐसा होगा जिससे बात करेंगे आपके साथ लोग आएंगे प्लान देखने। आदत बनाइए, क्योंकि आदत ही जिंदगी बदलती है। ठीक है, अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे तो बुक पढ़ने की आदत डालिए, नहीं आ रहे सीखने की आदत डालिए, लेकिन गिवअप कभी मत करो, क्योंकि गिवअप कर दिया तो यार फिर बोल दो अपने बीवी बच्चे को जाके कि हम गरीब है, गरीब रहेंगे और गरीब रह के मरेंगे, बोल सीधा। अगर ऐसा दिमाग में आएगा तो सीधा अपने बीवी बच्चे के पास जाना और बेटा हम लोग गरीब है, इसी घर में रहेंगे, छत से ना पानी गिर रहा है, बस अब आपको जवानी तक देखना पड़ेगा और मेरे मरने तक, क्योंकि मेरे औकात नहीं है। ठीक है, सीधा बोल देना एक लाइन, मेरा औकात नहीं है क्योंकि मुझे लोग मना करते हैं और मैं ना इतना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इज्जतदार आदमी हूँ कि मैं लोगों का नाम नहीं सुन सकता, इसलिए हम लोग ना गरीब रहेंगे। अब सीधा एक लाइन में बोल देना, अपने बच्चे को बोल देना कि बेटा जहां तक पढ़े ना वही तक ही आप पढ़ोगे, क्योंकि आगे मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपको तो गिवअप करना है, और गिवअप करना है तो लाइन उसको बता दीजिए, या तो उनको बताइए अपने बीवी बच्चे को, मेरा ये सपना है और इस सपने के लिए मुझे काम करना है, जो भी जिम्मेदारी घर का आप संभालो और मुझे काम करें, क्योंकि इस लाइफ को बदलना है। समझ में आ रहे हैं सभी को? और इस तरीके से जब आपके अंदर दिमाग में ना बत्ती जलेगा ना, तब आप काम करेंगे। देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, वो एकदम प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, अगर आपको जो भी लगे समझना, लेकिन मेरे अंदर जो चीज चलता है वही बता रहा हूँ भाई। अगर मेरे घर में समस्या है तो मैं रोने धोने नहीं बैठूंगा, ठीक है, टाइम पास करने नहीं बैठूंगा, काम करूंगा, और काम नहीं हो रहा है उसके बाद भी रोऊंगा नहीं और काम करूंगा, और काम करने से रिजल्ट नहीं आ रहा तो और मैं रोऊंगा धोऊंगा नहीं और काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लाइफ को बेहतर बनाना है यार, मुझे ना वो लाइफ नहीं जीना है जो मेरे पिताजी अब जी चुके थे, ठीक है, मुझे वो लाइफ जीना है जैसा मैं चाहता हूँ, जिस घर में मैं रहना चाहता हूँ, जैसा घूमना चाहता हूँ, कभी पैसे की दिक्कत ना हो, जैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, और इस सब के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मैं हर काम करूंगा, और इसलिए मैं अपना आदत को बदलना चाहता हूँ। ठीक है, आप भी बदलिए, नहीं बदलेंगे ना तो वही एक लाइन है, रुका हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, और यही होने वाला है फिर। ठीक है, तो हमें सड़ना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो अपने कारण को लो, बार 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 याद दिलाने की आदत डाल दीजिए, कारण को बार बार लिखने की आदत डाल लीजिए। एक्साइटमेंट बोलते हैं ना हम लोग, बार बार हमारे अंदर तो यार कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक्साइटमेंट कमी हुआ है, कुछ भी हो जाए घर में, क्यों ना पर्सनल प्रॉब्लम बड़े आ जाए, कभी नहीं हुआ है, क्यों पता है? क्योंकि एकदम पर्पस क्लियर है और ये आदत बन चुका है, तो एक्साइटमेंट नहीं है तो जबरदस्ती एक्साइटेड रहिए, एक दिन आदत बन जाएगा। फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे तो आज से ना करना चालू करिए, जबरदस्ती करना चालू करिए, आपके काम चल रहे नहीं चल रहे डजंट मैटर, आज से अपने अपलाइन से कॉल करना चालू करिए, जबरदस्ती करिए और इसको आदत बना लीजिए। जो टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, ड्रीम को रोज विजुलाइज करिए, आदत बना लीजिए, रोज अपने सामने विजन बोर्ड बना लीजिए, रोज देखिए, आदत बना लीजिए, लिस्ट बनाने की आदत रोज डाल लीजिए, दो चार नए नाम लिखने की आदत डाल लीजिए, इनविटेशन को अपने आदत में ला लीजिए, STP को अपने आदत में ला लीजिए, फॉलोअप को अपने आदत में ला लीजिए। देखना दोस्तों, मैं तो यहाँ पे 6 महीने में डायमंड डबल सॉरी 8 महीने में डायमंड बना हूँ, 1 साल में डबल डायमंड बना हूँ,
और मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला लोग है, बस आदत बदलना पड़ेगा। कौन कौन तोड़ना चाहेगा मैं रिकॉर्ड? मैं चाहता हूँ आप तोड़ो, मैं चाहता हूँ कि आप भी 6 महीने 7 महीने में डायमंड बन के दिखा दो। लेकिन कब होगा पता है? जब ऐसा ही काम करो थोड़ा से हद से ज्यादा। अभी तक जैसा कर रहे उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा से हद से ज्यादा। और इस तरीके से जब करेंगे और इसको हैबिट में ला लेंगे ना आपकी जिंदगी में, रियली बता रहा हूँ, एक नया बदलाव, एक नया इनकम, हर चीज बदल जाएगा। और रियली बता रहा हूँ दोस्तों, उस दिन से आपको लगेगा कि हाँ यार मैं अपने लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। ठीक उस दिन लगे कुछ कर रहा हूँ, कुछ बनने के लिए तो मैं तैयार हो चुका हूँ, नहीं तो यार जिंदगी तो वैसी की वैसी चल रहे। क्या जिंदगी है वो भी जिंदगी, रोज उठ रहे, खा रहे, सो रहे, कोई पर्पस नहीं है। क्या लाइफ है? थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ रहे उसमें भी रोना धोना करे, क्या वो लाइफ है? कोई लाइफ नहीं है। उससे अच्छा डटो, डट के काम करो, हर प्रॉब्लम का पूरे एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो और हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। नहीं आ रहे तो बार बार सीखो, उठो और बार बार काम करो अपने सपने के लिए, क्योंकि सपने आपके हैं और उस सपने को सिर्फ आप ही पूरे कर सकते हो, सिर्फ आप। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो बातें हैं जिसको मैंने पर्सनली किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बहुत जल्दी बनना है और मुझे बड़ा पैसा बहुत जल्दी कमाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 2025 तक मुझे 5 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए, और अगर मैं एवरेज काम करूंगा तो मैं नहीं कमा सकता। ठीक है, तो मैं तो अपने रास्ते में निकल गया हूँ 5 करोड़ कमाने के लिए 2025 तक, मतलब 2 साल बाकी है। आप लोग देखिएगा 5 करोड़ इनकम भी क्रॉस हो जा रहेगा, लेकिन आप डिसाइड करिए आपका इनकम क्या हो, और उसके लिए आप रियल में कमर कस के निकल पड़े हो कि नहीं। और निकल पड़े हो तो हर काम को पागलों की तरह करना चालू करिए, हैबिट में लाइए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग जो आज का ट्रेनिंग तो आपको बताया गया है, समझाया गया है, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये सारे चीजों को बताने के बाद अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। करेंगे तो आपके लाइफ में रियली बता रहे हैं बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चेंज को जब आप देखेंगे।